अच्छा चलो ले लेना। अब देखें लिम्फ क्या होती है, बड़ी गौर से आपने मेरी बात को सुनना है। देखो देखो बेटा, खून की जो ये फर्ज कर ले, ये ब्लड कैपिलरी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ ब्लड कैपिलरी। अब हमारी जो ब्लड कैपिलरी होती है ना, इसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। अच्छा, अब ये है, जरा मोट बड़ी बना रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए बात। दिस इज लिम्फ कैपिलरी, ये ब्लाइंड एंड होती है। ब्लाइंड एंड का मतलब होता है एंड से ये बंद है। ब्लाइंड एंड का मतलब होता है जो आखिर से बंद होती है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये ब्लाइंड एंड है। लेकिन अभी गौर से सुनो, आपको बातें सारी समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब पता क्या होता है, हमारी खून की नाली से ना लिक्विड लीक होता है। अच्छा, ये जो स्पेस है ना, ये वाली, ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस के तीन नाम है। नंबर वन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, नंबर दो इंटर सेलुलर स्पेस, नंबर तीन इसको इंटर स्टिशियल स्पेस भी कहा जाता है, इंटर स्टिशियल स्पेस, ये तीनों इसको कहा जाता है, तीनों एक इसी जगह का नाम है। अब होता पता क्या है, खून की नाली में ब्लड वेसल्स के अंदर जो है बेटे, वो क्या होता है, वो ये होता है कि इसके अंदर ना पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है ना वो लीक होके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आता रहता है। लेकिन अभी ये लिम्फ नहीं है, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फिल्वर्ड। बेटा सब्र करना, जरा सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल की कॉल है। सलामुअलैकुम सर, मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, अच्छा ठीक है। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो एडमिशन यहाँ हुआ होगा, बट उसने जाना उधर होगा सर सैयद में। लेकिन ना सच बोलूँ, ना सच बोलूँ तो मुझे याद नहीं है कि वो कौन है। वो ना कल मुझे मिलेगा ना, तो मैं पहले उसको कन्विंस कर लूँगा यहाँ के लिए। चले, नंबर आप भेज दें मुझे, मैं उससे बात कर लूँगा, पहले उसको कन्विंस करके देख लेंगे, अगर नहीं होगा फिर उसको कहेंगे चलो गुलिस्तान चौक चले जाओ। चले चले ठीक हो गया सर, ओके हो गया, चले सर, ओके ओके ओके, ओके। अच्छा देखो बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो पर्पल कलर में मैंने बनाया, अब पता क्या है, ये ना जब ये ज्यादा हो जाएगा ना, ये ऐसे कैपिलरी के अंदर आ जाएगा, लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ जाएगा। जब ये इसके अंदर आ जाएगा ना, इसकी साइडों पे ना बकायदा स्पेसिस होती है, ये जब ये इसके अंदर आ जाएगा ना, नो इट इज कॉल्ड लिम्फ।
अब आप इसको लिम्फ बोल सकते हो, मतलब लिम्फ एक ऐसा लिक्विड होता है जो ब्लड कैपिलरी से लीक होकर लिम्फेटिक कैपिलरी में आ जाता है, तो ऐसे फ्लूइड को आप लिम्फ का नाम देते हो। अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, जहन में बात आती है ना कि कौन सी चीज ब्लड से लीक होकर लिम्फ कैपिलरी में आ सकती है, आपके लिए आसान कर देता हूं बेटे, आरबीसी और प्लेटलेट को छोड़ दो, बाकी तकरीबन हर चीज इसमें आ जाती है। अब देखो ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा की सारी चीजें आ जाती हैं, सेल्स में आरबीसीज और प्लेटलेट से, ठीक है ना, बाकी डब्ल्यूबीसीज इसमें आ जाते हैं, तो डब्ल्यूबीसी यहां भी आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी में स्क्वीज होने की सलाहियत होती है, ये अपने आप को स्क्वीज कर लेते हैं और स्क्वीज करके छोटी सी जगह में भी घुस के मतलब एंटर हो जाते हैं, तो इनमें स्क्वीजिंग एबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये आते हैं। बेटे समझ आई है बात, जल्दी से बताओ अब तक की बात समझ आई है, चलो गुड हो गया, मैं यानी आपको पता लग गया कि लिम्फ क्या होती है। चलो अच्छा अब आगे सुनो जरा, एक टेबल मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो इसके अंदर ना मैंने ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ के अंदर फर्क लिखा हुआ, देखें ये कौन सा होता है, वो जो कि ब्लड में होगा, ये वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा, और लिम्फेटिक कैपिलरी में जो होगा वो लिम्फ कहलाएगी। अच्छा फिर इसके अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन इसमें बनती है ब्लड में ना, वो प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा इसमें कम होगी प्रोटीन क्योंकि बड़ी प्रोटीन क्रॉस करके नहीं आती, जो लार्जर प्रोटीन होती है ना वो क्रॉस नहीं कर पाती। सर ये तो आरबीसी से लार्ज, बेटा एक ये आरबीसी से मोर इलास्टिक होता है, आरबीसी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन होती है इसलिए आरबीसी तो हो जाता है रिजिड, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है ना इसमें तो हेमोग्लोबिन नहीं होती ना, तो इस वजह से ये स्क्वीज हो सकता है, ठीक है ना, तो छोटे से रास्ते से भी स्क्वीज होकर ये निकल आता है, इसमें तो हेमोग्लोबिन नहीं है ना। अच्छा मैं बता रहा था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कम होती है क्योंकि बड़ी प्रोटीन ब्लड से यहां नहीं आई होती, और इसी तरह इसके अंदर भी मोर प्रोटीन होती है लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड की निस्बतन, बट ब्लड की निस्बतन लेस होती है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ प्रोटीन यहां पे भी बनती हैं, तो बहरहाल लेकिन ओवरऑल ब्लड से कम होती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये ज्यादा होती हैं। अच्छा ये ब्लड जो है ना वो जा रहा होता है आर्टरीज से कैपिलरीज की तरफ और फिर इन्होंने जाना होता है वेन्स में और ये लिक्विड हो जाती है कैपिलरी से ही, क्योंकि आर्टरी से आया होता है इसलिए इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर ये टिश्यू वाला है, ये ब्लड जब आया तो ऑक्सीजनेटेड था, टिश्यू ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगा ये, क्योंकि ये टिश्यू स्पेस होती है ना, टिश्यू ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। अब टिश्यू जब ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगा तो जब तक ये लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर होगा ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है, नहीं आरबीसी, बेटा मैं बताया तो है आरबीसी जो है वो ब्लड कैपिलरी के सुराखों को क्रॉस नहीं कर सकता, डब्ल्यूबीसी क्रॉस कर लेता है आरबीसी नहीं कर पाता, तो आरबीसी ब्लड कैपिलरी में ही रहेगा, ये लिम्फ में नहीं जाता। अच्छा ये डीऑक्सीजनेटेड, इसी तरह इसमें एरेथ्रोसाइट आप जानते हो ये आरबीसी, इसमें तो सब होंगे ना डब्ल्यूबीसी और प्लेट है, इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी होंगे और इसमें भी डब्ल्यूबीसी होंगे, इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है बाकी दोनों में, क्यों, आपको याद होगा लैक्टील्स आपने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां जब इलियम में फूड एब्जॉर्प्शन हो रही थी आपने लैक्टील्स पढ़ा था, लैक्टील्स जो होते हैं ये फैट एब्जॉर्प्शन करते हैं,
तो डैट्स वाई आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। बहुत अच्छे। और भाई लिम्फ में जब आरबीसी है ही नहीं तो लिम्फ आरबीसी से कैसे बना होगा? कैसी बातें कर रहे हो? जब लिम्फ है में आरबीसी है ही नहीं तो लिम्फ तो विदाउट आरबीसी होते हैं। इकरा गलत बोल रही हो। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्योंकि अभी ब्लड आया होता है तो इसको ब्लड जो रिसीव होता है ना वो नोट किया जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो जो लिक्विड रिसीव करता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। जी ओनली ब्लड कैपिलरीज से जो है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा पोरस होती हैं। हाँ जी बिल्कुल अकरा डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इसकी कंपोजिशन का हिस्सा होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी ये बनाते नहीं है। डब्ल्यूबीसी इसकी कंपोजिशन का हिस्सा है, इसमें प्रोटीन है, साल्ट है, सब कुछ है। सर जब इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रोटीन कम होंगी तो लिम्फ में ज्यादा कैसे होंगे? लिम्फ बनाती है ना, लिम्फेटिक सिस्टम कुछ प्रोटीन्स को बनाता है, इसलिए वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ज्यादा हो जाती है। चल आगे चलते हैं। अब लिम्फ जो है ना, देखो कंपोजिशन हमने कर ली, ठीक हो गया। अब लिम्फ का हमने करना है पाथवे, दिस इज द पाथवे ऑफ लिम्फ। आप देखें लिम्फ जो है बेटे वो सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरी में आई, लिम्फेटिक कैपिलरी से ये लिम्फ इकट्ठी होकर चली जाती है लिम्फेटिक वेसल में, लिम्फेटिक वेसल में जाती है। अब ये लिम्फेटिक वेसल भी समझाता हूं, देखो इस लिम्फेटिक वेसल को ये कहलाता है लिम्फ नोड। ये क्या कहलाएगा? दिस विल कॉल द लिम्फ नोड। ये जहां से लिम्फ एंटर होगी ये कहलाता है ए फॉर एफरेंट वेसल, यानी ये वाली है ये एफरेंट वेसल है। लिम्फ नोड में एंटर हो गई, लिम्फ नोड से ये जाएगी, ये वाली जो है ना ये कहलाती है एफरेंट वेसल, है ना। तो लिम्फ नोड से ये जाएगी एफरेंट वेसल में, ठीक है। फिर ये चली जाएगी एक बड़ी डक्ट में जिसको लिम्फेटिक ट्रंक कहा जाएगा। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, कलेक्टिंग डक्ट ये दो तरह की होती है, ये याद करना आपने, ये दो तरह की है। एक को कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी होती है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है। अब ये जो लेफ्ट वाली है ना इसको थोरोसिक डक्ट भी कहा जाता है, इसको आप थोरोसिक डक्ट भी बोलते हो। क्या बोलोगे? थोरोसिक डक्ट। क्लियर हुई बात?
राइट वाली को थोरोसिक डक्ट नहीं बोलते, ये कलेक्टिंग डक्ट है, मतलब ये सारे बॉडी के ट्रंक्स में से लिम्फ को इकट्ठा करती हैं। अब ना मैं इनका इनके डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। देखो ये बॉडी के कितने ज्यादातर हिस्से को बेटे लेफ्ट कलेक्ट करती है। देखें कैसे होता है ये मैं बताता हूँ आपको। फर्ज कर लें आपकी बॉडी के ना मैं दो हिस्से बना रहा जी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है। अब ये वाला जो हिस्सा ना बॉडी का, ये जिसको मैंने डार्क रेड किया है, ये हिस्सा कहलाता है राइट अपर क्वाड्रेंट, इसी का राइट अपर क्वाड्रेंट। अच्छा, इसको यहां से लिम्फ को कलेक्ट करेगी इस हिस्से से, राइट लिम्फेटिक डक्ट इस हिस्से से ये कलेक्ट करेगी। बाकी जो हिस्सा है ना, बाकी जो हिस्सा है से ये बाकी सारा हिस्सा, ये वाला सारा हिस्सा, ये बाकी जो सारा हिस्सा, इसको जो है ना बेटा कंट्रोल, इस यहां से लिम्फ को कलेक्ट करेगा ये बड़ी होती है, इसी को थोरोसिक डक्ट कहते हैं। ये सारा ये कलेक्ट करेगा। अब पता क्या होता है, हमारा जो चेस्ट कैविटी वाला पार्ट है ना, जो कंधों के करीब, जो हमारे शोल्डर्स हैं उसके करीब ना एक खून की नाली होती है, बना रहा हूं जी, बना दी। इसको कहते हैं, ये है लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, ठीक हो गया। राइट सबक्लीवियन वेन एंड लेफ्ट सबक्लीवियन वेन, ठीक हो गया। ये जो है ना, ये गर्दन की तरफ जा रही होती है, इसको कहते हैं जगुलर वेन, दोनों जो ऊपर दोनों बनी हुई है, और ये वाली होती है वेना केवा, ठीक हो गया। अब ना जो लेफ्ट थोरोसिक डक्ट होती है ना,
वो यूं आ रही है। ठीक है ना, और इसकी अंदर का जो कंटेंट है वो यहां से यूं आ रहा है। ये क्या है? थोरैसिक डक्ट। बंदा लेक्चर एंड होने वाला है। तो ये थोरैसिक डक्ट है जिसको मैंने लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहा। ये ज्यादातर यही लाएगा, ये बड़ी भी होती है, बहुत बड़ी होती है, जबकि राइट साइड पे भी बेटे छोटी बहरहाल है। ये सारी इकट्ठी करके डालती वेना कैवा में, और वेना कैवा आपके ब्लड में डाल देगा। वेना केवा में पुट करेगा और वेना केवा से ये ब्लड में डाल देगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, ये लिम्फ इसमें डालेगा। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आता है, ज्यादा आती है लेफ्ट से। तो ये जो लेफ्ट और राइट सब क्लीवियन वेन में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये मैंने क्लियर कर दिया आपकी। बताओ समझ आई है बात? बेटा दोनों में मैटर सेम होता है, मैटर दोनों में सेम है, दोनों में लिम्फ है। बेटा दो थोरैसिक डक्ट है वो लेफ्ट सब क्लीवियन वेन में, क्योंकि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है ये थोरैसिक डक्ट लेफ्ट साइड पर, और राइट सब क्लीवियन, राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सब क्लीवियन वेन में ओपन होगी और वो लिम्फ सारा राइट हिस्से में डाल देगी। ये दोनों कलेक्ट होके सब क्लीवियन वेन से यहां से जो है बेटा इसने जाना है हार्ट में। हार्ट में जाना है। समझ आ गई? चल मैं दिखाता भी हूं ये आपको। ये देख लो, इसमें से जो सारा कुछ आपने याद नहीं करना, मैं क्लोज करके दिखा दूं। देखो ये बड़े वाली, दिस इज कॉल थोरैसिक, ग्रीन कलर वाली थोरैसिक डक्ट, ये देख लो सब क्लीवियन वेन में एंटर हो रही है। ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है, और ये वेना कैवा, मैंने बताया ना सारी राइट जगुलर, और ये नहीं याद करना। ये देख लो ये जगुलर वेन है, ये ऊपर बड़ी वाली, ये देख लो ये एंट्रेस हो रही है थोरैसिक डक्ट के, और ये राइट सब क्लीवन वेन है ये, और जो कि राइट लिम्फेटिक डक्ट उसमें एंटर हो रही है। ये इनका जॉइनिंग पॉइंट है। चले ये बाकी ये याद नहीं करना, जो जो मैंने पढ़ाया ना बस आपने वो याद करना, बाकी चीजें आपने छोड़ देनी है। अच्छा बेटा लिम्फ कैसे मूव करती है? अच्छा एक चीज और आपको मैं बता दूं, फिर मैं फाइनल उसकी तरफ जाता हूं और लेक्चर हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह।
ये लिम्फेटिक वेसल्स कितनी तरह की हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल, ट्रंक भी इसी में आता है, और लिम्फेटिक डक्ट भी आ जाते हैं, जैसे थोरोसिक डक्ट थी, ये भी वेसल्स में शामिल होती है। ऑर्गन में थाइमस है, आपको याद होगा ये मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। लिम्फ नोड जो होते हैं ये आपको पता बॉडी के तकरीबन हर हिस्से के अंदर पाए जाते हैं, ये भी लिम्फेटिक ऑर्गन में थे। स्प्लीन ये जो है बेटा ये लिम्फ को स्टोर करती है, ये भी लिम्फेटिक ऑर्गन है, ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। टॉन्सिल्स ये हैं, ये आप जानते हो ये थ्रोट में पाए जाते हैं, गले में होते हैं, और ये है ना इम्यूनिटी प्रोवाइड, जगुलर ऊपर होती है गर्दन की तरफ, जगुलर वेन गर्दन की तरफ होती है। ये चीजें थी यार। अच्छा बेटा लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, ये जगुलर है, ये वाली ये बनाई तो है मैंने, ये जगुलर है, ये गर्दन की तरफ होती है। अच्छा लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, देखो बेटा लिम्फ के बहुत सारे फंक्शन है। लिम्फ जो है ना एक तो फैट एब्जॉर्ब करती है वाया लैक्टील, फैट एब्जॉर्प्शन में इसका किरदार होता है। नंबर दो, ये तकरीबन 3 लीटर के करीब, 3 लीटर करीब जो जो फिल्वर्ड होता है वो डेली रिटर्न करती है दोबारा ब्लड को, तो मतलब जो ब्लड से लिक्विड लीक हो जाता है ना ये दोबारा उसको ब्लड में पहुंचाने में इसका किरदार है। अच्छा एक तो ये करेगी, ये लैक्टील ये काम करती है, लैक्टील तो फैट एब्जॉर्ब करेगी ये फिल्वर्ड, और इसके अलावा ये इम्यूनिटी भी देते हैं क्योंकि उसमें WBCs होते हैं, WBCs प्रोड्यूस भी करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस भी करते हैं, तो इम्यूनिटी के अंदर कुव्वत मुदाफात के निज़ाम में इनका बड़ा अहम किरदार होता है। बेटा ये टॉपिक हमारा हो गया मुकम्मल, आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ लो, शाबाश। लिम्फ के खुद मूव नहीं करती, लिम्फ लिम्फ को मूव करने के लिए बॉडी की अदर जो बॉडी पार्ट की मूवमेंट होती है ना, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेसल्स मूवमेंट, जैसे जो है बेटा वो ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ये मूवमेंट जो है ये पुशिंग फोर्स पैदा करती है लिम्फ के लिए, जिसकी वजह से लिम्फ पुश होती है। एक और बात बता दो, लिम्फ वेसल का स्ट्रक्चर, लिम्फ वेसल का स्ट्रक्चर वेन से मिलता जुलता है, दिस विल इक्वल टू वेन, जो हमारी वेन्स होती है ना उनसे इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है। बस एक चीज थोड़ी सी इसमें ज्यादा, बट हैव मोर नंबर्स ऑफ वॉल्व, इसमें बेटा नंबर ऑफ वॉल्व जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं वेन की रिस्पतन, अदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वेन से मिलता जुलता होता है। लिम्फ वेसल में भी वॉल होते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट कर सके, ये क्या करते हैं, लिम्फ। चले टॉपिक मुकम्मल हो गया, इधर से हमारा टाइम भी मुकम्मल हो गया, फिर भी कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई नहीं 1-2 मिनट हम एक्स्ट्रा भी लगा लेते हैं। चलो ठीक हो गया, चले चले, थैंक यू फिर।